नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और अभी आप सभी का होने वाला है पॉलिटी का टेस्ट। जी हाँ, पॉलिटी का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1 कल हुआ था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको लाइक किया। और आज देखेंगे दोस्तों पॉलिटी का टेस्ट नंबर आपका 2। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आज का होने वाला है, क्लास होने वाला है। इसमें पॉलिटी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। 100 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर हम लोग अभी रिवीजन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं, पॉलिटी से 5 क्लास आपका होगा, ठीक है। अभी तक ये दूसरा क्लास है, 3 क्लास और होगा, 5 क्लास। 5 क्लास में आपका पूरा पॉलिटी समाप्त है। इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आने वाला है, चाहे वो अनुच्छेद का हो या फिर किसी और का भी प्रश्न हो, आपको बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 10 सवाल आप लोग के पूछा जाएगा एग्जाम में, जिससे यहाँ से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उनको अभी तक PDF प्राप्त नहीं हुआ है, नोट्स उनको नहीं मिला है, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर है हमारा 7857824310, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। इसमें कुछ चार्ज है, आपको चार्ज लगेगा। मिनिमम चार्ज है मात्र 351 रुपया। उसके बाद आपको सभी नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक ग्रुप है, बहुत सारे लोग उसमें, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ से आप तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कैरियर परिवार, ठीक है। CARER, ठीक है। कैरियर परिवार, PARIWAR, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए अभी मैथ का डेली प्रैक्टिस हो रहा है। लगभग आपको डेली वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला जाता है ना। आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे उसमें सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन डाला जाएगा, करेंट अफेयर को भी क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री चार्ज है, अभी कोई चार्ज उसमें नहीं लगेगा आप लोग को। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग आ जाइए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ चुके हैं मेरे दोस्त, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया है ना, जो हमारा मूल संविधान बन गया है उसमें संशोधन कर सकते हैं। और यही संशोधन करते करते वर्तमान में लगभग 500 अनुच्छेद के आसपास पहुंच गए हैं अभी, ठीक है। हाँ, तो जो टोटल अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद वो है 395, ठीक है। ये मूल संविधान में है और अभी वर्तमान में 500 लगभग अनुच्छेद हो गया है आपका। लेकिन मेन इसी से आपको सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। एक सवाल यहाँ से और पूछा जाएगा कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है, ये अनुच्छेद कितने में इसका वर्णन किया गया है। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में फटाफट गोली की तरह छाप दीजिएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा 368, ठीक है, 368 के तहत। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा सवाल की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। आपको कल भी बताया गया था कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 22 भाग। टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुसूची अगर पूछ लिया जाए तो 8 अनुसूची है ना, ये मूल संविधान की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान में मूल मूल जो अनुसूची है वो 12 हो चुकी है, ठीक है। और अब ये भाग तो आपका वर्तमान में भी 22 ही है ना, और अनुच्छेद आपका ये अब हो गया है 475 से भी ज़्यादा अनुच्छेद आपका हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला है कि संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो संविधान संशोधन तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद पूछे तो 368 हो जाएगा। अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 20 में है, ठीक है। भाग कितने में है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो भाग 20 में है। एकदम आपको सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, बेड पे लेटे लेटे इसको सुन सकते हैं।
है ना, बैठ कर पढ़ सकते हैं, खाना बनाते हुए देख सकते हैं, खाते हुए देख सकते हैं, कैसे भी आप देखिए, आपको याद हो जाएगा पूरा पॉलिटी मात्र 5 क्लास में। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायत की जो स्थापना होती है दोस्तों, ये भाग 4 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत की स्थापना कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ उसको आप जरूर नोट कीजिएगा, है ना, नोट करने से ही आपको आज तैयारी जो है पूर्ण हो पाएगी। तो ये अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना, भाग किस में है, तो भाग 4 में है, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है आपका नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है ये, तो 36 से लेकर के 51 तक है आपका नीति निदेशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान, चलिए तो हो गया आपका। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। देखिए, नगर पालिका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट भी आपको बताएंगे नगर पालिका से। देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था आपका 1951 में, आप नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट को। प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, तो प्रथम संशोधन हुआ था दोस्तों 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन होता है, और प्रथम संशोधन के तहत ही नगर, प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था भाग 9, है ना, भाग 9 के ए आपको इसमें जोड़ा गया था नगर पालिका। देखिए, भाग नगर पालिका जो है ये भाग 9 के क में है। ये जो 1951 में जो हुआ था, ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें क्या जोड़ा गया था ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसमें जोड़ा गया था आपको भूमि सुधार कानून, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इससे संबंधित नहीं, आगे जो क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित है कि प्रथम संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। तो ये था आपका अनुसूची 9, है ना, अनुसूची 9, कन्फ्यूज नहीं करना है, 9वां अनुसूची आपको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन में। और 9वें अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो भूमि सुधार कानून। ठीक है, नगर, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 के क में है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। और इसको कब जोड़ा गया, तो नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान है ये 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में, है ना, 74वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 74वें संविधान संशोधन दोस्तों, तो 1992 में हुआ था, और 93 में इसको लागू किया गया था आपका। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित नगर पालिका अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो 243 में इसका वर्णन किया गया है नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, चलिए, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका जोड़ा गया, भाग कितने में है, तो भाग 9 के क में है, या फिर भाग 9 के ए भी आपको एग्जाम में दे सकता है। देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हम बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ पूछा जाता है, तो एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो अभी आपको बताया कि भाग 4 में इसका वर्णन है, नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है ये नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। देखिए, भाग एक का जो वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 1 है दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, है ना, भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। और अनुच्छेद भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि संविधान के किस भाग में
मूल अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकार हमारा जो है, यानी कि इसको कह सकते हैं आप मौलिक भी अधिकार कह सकते हैं, है ना, मूल अधिकार कहिए या फिर मौलिक अधिकार कहिए, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है, तो भाग 3 में है मूल अधिकार। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। और कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और पहले कितना था, 7 मौलिक अधिकार था। एक था आपका संपत्ति का अधिकार, है ना, एक था आपका संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, है ना, इसको हटा दिया गया आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था 44वें संविधान संशोधन, 1978 में। और इसको कहाँ ले जा करके रख दिया, तो अनुच्छेद 300 के क में इसको ले जा करके रख दिया आपका, ठीक है। तो ये पूरे मौलिक अधिकार से आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न। कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, है ना, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कह रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, है थी की बात है, जिसका मतलब है कि मूल संविधान में ये पूछ रहा है ना। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची है। 8 अनुसूची आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अभी 8 अनुसूची को बताने वाला हूँ, तो आप लोग भागिएगा नहीं, है ना, ये 8 अनुसूची आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में कितने अनुसूची, तो वर्तमान में 12 अनुसूची, है ना, वर्तमान में 12 अनुसूची। और ये 12 अनुसूची आपको जुबान पर होना चाहिए। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाई साहब, मैंने अभी बताया 9वीं अनुसूची से संबंधित सवाल, कि 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ये हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। अब सोच लीजिए कि हमारा संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, लेकिन एक ही साल के बाद जरूरत पड़ गया संविधान में संशोधन करने की, ठीक है। और प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में, और इसी के अंतर्गत जोड़ा गया भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून, है ना, भूमि सुधार कानून है आपको 9वीं अनुसूची में, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना, 9वीं में है भूमि सुधार कानून। अगर पूछ लिया जाए कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, है ना, 10 से 10 और 10 से दल बदल है। 11वीं में क्या है, तो 11वीं में है ग्राम पंचायत। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका, ठीक है, या नगर निगम, ठीक है। तो ये 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ा गया था। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे आपसे। नेक्स्ट है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जी हाँ, याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भाई साहब 1985 में हुआ था। किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा 1985 में। अब क्या पूछेगा कि 52वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में है भाई साहब दल बदल, है ना, बस आप दल और बदल को नाम याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो दल बदल है 10वीं अनुसूची में, और ये जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। और 9वां कब जोड़ा गया था दोस्तों, 9वीं अनुसूची अभी आपको बता दिए 1951 में, है ना, और 10वीं कब जोड़ा गया 1985 में। अब अगर पूछ लिया जाए कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1992 में, है ना, 1992 में। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो ये भी आपको 1992 में जोड़ा गया, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था आपका, ठीक है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सभी कन्फ्यूजन यहीं पे दूर होना चाहिए, तब जाके क्लियर होने वाला है। और बस दो चार दिन आप इंतज़ार कीजिए, है ना, क्योंकि मैं दो चार दिन बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन अब दो चार दिन वो बढ़ने वाला नहीं है, है ना, संडे तक आपका डिजिटल लग जाएगा, फिर देखिए पढ़ने में कितना मज़ा आता है, है ना। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 9 बजे से अभी क्लास हो रही है आपको, बाद में चार चार क्लास आपको डेली मिलने वाला है, ठीक है। और भी आपके जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके फैमिली में जो भी हैं, उनको भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको SSC रेलवे का अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी होने वाला है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो भाई साहब, मैंने अभी बताया 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और कब हुआ था, तो 1992 में हुआ, और इसको लागू कब किया गया, तो 93 में इसको लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो भाई साहब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी मैंने बता दिया, और ये भी हुआ था दोस्तों 1992 में, और ये भी 1993 में लागू कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है तो कमेंट कीजिएगा, उसको दूर किया जाएगा। अगला सवाल है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में। देखिए भारत में अभी टोटल कितने राज्य हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहिएगा, 28 राज्य हैं अभी, है ना। वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों, तो 28 राज्य हैं, और कितने संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 9 मत टिक कर दीजिएगा, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसका जो उल्लेख किया गया है ये प्रथम अनुसूची में किया गया है, ठीक है, प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब चलते हैं, देखिए यहां पर प्रथम अनुसूची तो बता दिया गया, आप नोट कर लीजिएगा कि प्रथम अनुसूची में क्या हो गया, यहां पर आपको 12वीं अनुसूची हम नोट करवा देंगे अभी, है ना, ये क्लास ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। प्रथम अनुसूची में क्या नोट किए अभी, कि प्रथम अनुसूची में है भाई साहब कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची नोट कर लीजिएगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो कुछ अधिकारियों का वेतन और भत्ता है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो कुछ अधिकारी का वेतन और भत्ता, बस वेतन भत्ता आप याद रखिएगा ना, कुछ अधिकारी फधिकारी छोड़ दीजिए, वेतन और भत्ता आप याद रखिए दूसरी अनुसूची में। अगर पूछ लिया जाए कि तीसरी में क्या है, तो चलिए तीसरी में आपको यहां पर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, है ना, दो याद हो गया, अब चलते हैं तीसरा, तो तीसरा है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, है ना, तो शपथ ग्रहण बस याद रखिएगा कि तीसरा में क्या है, तो शपथ ग्रहण। पहला में क्या था, तो पहला में था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरा में क्या था, तो दूसरा में क्या था आपको याद हो गया ना, कुछ अधिकारी का वेतन और भत्ता, पहले तो राज्य बन गया, केंद्र शासित बन गया, अब कुछ अधिकारी जो महत्वपूर्ण है उनका वेतन देना जरूरी है, और वेतन दे दिए तो उनको बाद इसको शपथ ग्रहण दिला दिया गया तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या हो गया, शपथ ग्रहण हो गया। अब चलते हैं अगला, तो अगला है चतुर्थ यानी कि चौथे अनुसूची में किसका वर्णन है। तो प्रश्न कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची कितने में है। बस ये याद रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची कितने में है भाई साहब, तो चतुर्थ में हो गया, 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा, 4 हो गया यहाँ पर। अब चलेंगे पांचवें पर, तो पांचवें में क्या है, पांचवी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो याद रखिएगा पांच कैसे लिखाता है, पांच ऐसे लिखाता है, यानी कि एस की तरह लिखाता है पांच, है कि नहीं, पांच कैसे लिखा रहा है, तो एस के जैसा लिखाता है पांच। तो पांच में, पांचवी अनुसूची में वर्णन है SC & ST, है ना, SC & ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, है ना। तो पांच से आपको याद हो गया, पांच कैसे लिखा रहा है, एस का मतलब SC हो गया और ये हो गया ST हो गया, तो पांच से आपको याद हो गया SC & ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ये हो गया पांचवी अनुसूची में, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं हम छठी अनुसूची पर। छठा जो जो नहीं यहाँ पर दिया हुआ है ना वो हम अलग से बता दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो छठी अनुसूची में क्या है नोट कर लीजिएगा भाई साहब, छठा में है दोस्तों असम, है ना। असम याद रखिएगा चार राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, है ना। AMTM आप शॉर्ट में भी इसको याद रख सकते हैं, AMTM। ए से क्या हो गया, है ना, ये सभी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर हैं उसी के राज्य हैं, मात्र चार राज्य हैं याद रखिएगा, छठी अनुसूची में इसी का वर्णन है, है ना। ए का मतलब हो गया असम, है ना, तो असम हो गया, एम का मतलब हो गया मेघालय, असम मेघालय, और टी से हो गया आपका त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा, और एम से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये चार राज्य आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा छठी अनुसूची में, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में, बस हो गया है भाई साहब छः नंबर तक क्लियर। छः और बचा है, तो सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन है, सातवीं भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो सातवीं अनुसूची में किसका है, तो सातवीं में आपको तीन सूची है, आपको याद होगा, एक तो है आपका संघ सूची, एक है आपका राज्य सूची, और एक है आपका समवर्ती सूची। तो तीन सूचियों का जो वर्णन है वो है सातवीं अनुसूची में, ठीक है। यही तीनों सूची का वर्णन है सातवीं अनुसूची में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा सातवीं अनुसूची से। आठवीं में क्या है दोस्तों, तो आठवीं में याद रखिएगा भाषा, आठवीं में क्या है, तो आठवीं अनुसूची में आपका भाषा, और वर्तमान समय में कितने मान्यता प्राप्त भाषा है, तो 22 मान्यता प्राप्त भाषा है आठवीं अनुसूची में। और नौवीं अनुसूची मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि नौवीं में क्या है दोस्तों, है ना, नौ से याद रखिएगा नियम, नौ से क्या हो जाएगा नियम, है ना, नौ से नियम यानी कि भूमि सुधार कानून, है ना, भूमि सुधार नियम, ठीक है, भूमि सुधार नियम हो जाएगा आपको नौ से। और दस में क्या है, तो दस में है आपका, दस में क्या है, तो दस में है आपका दल बदल, दस में क्या है, दल बदल है। और ग्यारह में क्या है, ग्यारह में हो जाएगा आपका पंचायती राज, ग्यारह में क्या है, ग्यारह में हो जाएगा पंचायती राज। और बारह में क्या है दोस्तों, तो बारह में हो जाएगा नगर पालिका, है ना, नगर पालिका हो जाएगा आपका 12 में। तो ये 12 आपको कंठस्थ होना चाहिए, 12 में से एक जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो 12 क्वेश्चन याद रखिए, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स कीजिए एग्जाम में, अपने एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो वहां पर आपको जरूर ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या है, तभी आपको बता दिए कि भाषा का है आपको, और कितने भाषा है अभी हमारे संविधान में, तो मान्यता प्राप्त 22 भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 12वीं अनुसूची में क्या है भाई साहब, तो बता दिए नगर पालिका है, अब तो खटखट मारिएगा आंसर आप लोग, है कि नहीं, तो 12वीं में क्या है, नगर पालिका है, नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कीजिएगा तभी फिर कुछ होने वाला है, नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिमाग से निकल जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान की अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, दल बदल, द से दल बदल और द से दस होता है कि नहीं, द से दल बदल और द से दस होता है, और नौ से नियम होता है, तो नौ से भूमि सुधार नियम होता है ना, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल पर, 11 नंबर, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यानी कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद में एक में सीधा लिखा हुआ है कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्तों, तो भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद कितने में है, तो भारत राज्यों का संघ है ये अनुच्छेद एक में है, आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नागरिकता। देखिए नागरिकता जो हमारे संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, है ना, हमारे देश में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, कैसी है, एकल नागरिकता है, या फिर आप कह सकते हैं एकहरी नागरिकता, है ना, एकहरी नागरिकता है हमारे देश में। जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता है दोस्तों, USA में, तो USA में हो जाएगा दोहरी नागरिकता, है ना, USA में कैसी नागरिकता है,
तो दोहरी नागरिकता यानी कि दो नागरिकता वहाँ पर मिलता है, एक तो राज्य की नागरिकता होती है और एक केंद्र सरकार की नागरिकता होती है। तो लेकिन इंडिया में क्या है, तो यहाँ सिर्फ एक नागरिकता है केंद्र सरकार की आपका, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो ये भी लिख लीजिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है तो वहाँ भी एकल ही नागरिकता है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। कितने भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 3 में इसका वर्णन है। कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना, ये सभी चीज आपको याद रखना है। चलिए देखिए, हमसे जितना हो बनेगा मैंने आपको यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा, 100% देने का प्रयास करूँगा। आपको काम है कि इसको नोट करते हुए चलना और याद करते हुए चलना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया। छुआछूत इसी को आप ऑप्शन में दे सकता है, अस्पृश्यता, है ना, तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो है ये अनुच्छेद 17 में वर्णन है। अनुच्छेद में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होता है 17 अनुच्छेद नंबर जो है हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा पूछेगा छुआछूत किस में है, 17 में है, अस्पृश्यता किस में है, 17 में है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 17 नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 19 के 1 में है भाई साहब, अनुच्छेद 19 के 1 में है क्या, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको ऑप्शन दे सकता है, अनुच्छेद 19 के ए भी दे सकता है, या फिर लिख सकता है अनुच्छेद 19 के अ भी दे सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, सब है एक ही चीज़ है कि नहीं, ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम हॉल में। अगला सवाल हम देख लेते हैं आपका। देखिए अगले सवाल बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए शोषण का अधिकार जो है अनुच्छेद 24 में है, और ये शोषण का मतलब हो गया ना कि जो 14 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं दोस्तों उनको कल कारखानों में काम करने से निषेध है, है ना, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निषेध किया गया है कल कारखानों में काम करने से। अगर उनको लगाया जाता है कल कारखानों में काम या फिर कहीं भी काम लगाते हैं तो पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट सवाल है भाई साहब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। जी हाँ, तो अल्पसंख्यक किसको कहेंगे, तो इंडिया में जो अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जिसकी संख्या क्या हो, अल्प हो, मतलब कि कम हो, है ना, तो अल्पसंख्यक हो जाएगा, और ये वर्णन है आपका अनुच्छेद 29 में आपका। तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, किस धर्म के लोग आएंगे, तो मुस्लिम धर्म हो जाएगा आपका, जैन धर्म हो जाएगा, सिख धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, पारसी धर्म हो जाएगा, ये सभी धर्म क्या है, तो अल्पसंख्यक में है, यानी कि इनकी संख्या क्या है, तो बहुत कम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद जो है दोस्तों वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का। देखिए ग्राम पंचायत अभी आपको बताए थे कि ग्राम पंचायत का जो वर्णन किया गया है ये है अनुच्छेद 40, और भाग किस में है, तो भाग अगर पूछ लिया जाए तो भाग 4 में इसका वर्णन है, ठीक है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ये आता है ग्राम पंचायतों का गठन। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बता दिया है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन होता है कब होता है, तो 1976 में होता है, और इसी के तहत आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, सरदार
लिख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं के अनुशंसा पर दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इसको कहाँ पर रखा गया, तो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया था आपका। और भाग कितने में है, तो भाग ये 4 के क में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये रूस से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ से इसको लिया गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जी हाँ, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद कितने में है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अनुच्छेद 53 में है। 53 से पहले मैं एक अनुच्छेद बता देता हूँ, 52 है ना, तो आपको पता होगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 52 में है आपका राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 52 में है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। 53 में क्या है, तो 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है, याद कर लीजिएगा, 52 कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। देखिए महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है, सीधा पूछेगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग यह अनुच्छेद कितने में है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग जो है ना, ये संसद में लाया जाता है राष्ट्रपति पर, और संसद में कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, है ना, इसका कोई भी अथी नहीं है, कहीं भी इसको ला सकता है, लेकिन लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है, ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है महाभियोग के लिए, कि आप पर महाभियोग लाया जा रहा है पद से हटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति देख लिए, अब चलिए उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में, कितने में है, 63 में, तो 52 से लेकर के 62 तक किसका वर्णन हो गया, तो ये हो गया 52 से 62 तक आपका राष्ट्रपति हो गया। अब आ गया 63, 63 में कौन, तो उपराष्ट्रपति महोदय जी अब आ गए, ठीक है, तो याद रखिएगा 63 में उपराष्ट्रपति। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, है ना, जो मंत्री हैं दोस्तों वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये अनुच्छेद कितने किस में है, तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है, है ना, इसमें अनुच्छेद 75। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति संबंधी प्रावधान करता है, तो पद से हटाने संबंधी प्रावधान या फिर नियुक्ति संबंधी प्रावधान, ये भी आपका अनुच्छेद 75 में वर्णन है आपका। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के महान्यायवादी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महान्यायवादी है दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नोट कर लीजिएगा राष्ट्रपति, बहुत बार एग्जाम में आया है कि नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, किसका, महान्यायवादी का, और ये अनुच्छेद कितने में है, तो 76 में है, ठीक है, किसमें है, 76 में है, यानी कि 76 में। अगला सवाल है कि कौन सा वो अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, है ना, संसद में जो अधिवेशन होते हैं दोस्तों, तो 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। जी हाँ, तो लोकसभा के भंग करने की शक्ति है आपको राष्ट्रपति के पास, और ये अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि
किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। देखिए, संसद की संयुक्त बैठक जो होती है, इसको बुलाने का जो अधिकार है ना, बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं संयुक्त बैठक, लेकिन अगर पूछा जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों, तो लिख लीजिएगा लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही आपका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ये अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद आपका 108 में इसका वर्णन है, है ना, श्री श्री 108, ये संयुक्त बैठक आपका हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक। अब देखिए, बात करते हैं धन का, तो धन किस में है, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। धन विधेयक याद रखिएगा किस में है दोस्तों, 110 में है धन विधेयक, याद रखना है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 123 याद रखिएगा अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद कितने में है, तो 123 और धन विधेयक 110, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब अनुच्छेद है, आपको बार बार एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद मुक्ति संबंधी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124 यानी सर्वोच्च न्यायालय 12 का 4 याद रखिएगा, है ना, 12 का 4 सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं दोस्तों, वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं, तो परामर्श ले सकते हैं, अनुच्छेद कितने के तहत, तो 143 के तहत। ठीक है, चलिए, कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है आदेश सुनाते हैं, है ना, तो अपने जो सुनाए वो आदेश सुना दिए उसमें भी क्या कर सकते हैं, तो पुनरावलोकन कर सकते हैं। और यह व्यवस्था जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित ये सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। जी हाँ, तो केंद्र सरकार किसको निर्देश देगा, राज्य सरकार को, अनुच्छेद किसके तहत, तो 256, है ना, 256। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। जी हाँ, वित्त आयोग किस में है, तो 280 में है, और धन विधेयक किस में है, तो 110 में है, याद रखिएगा, धन विधेयक 110 और वित्त आयोग 280 में। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस में हुआ है। देखिए, हमारे संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, यहाँ पर आप कैबिनेट भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कैबिनेट, तो कैबिनेट जो शब्द का प्रयोग हुआ है ना, ये मात्र एक जगह हुआ है और अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन हुआ है। 352 में देखिए एक चीज और है दोस्तों, क्या है, तो राष्ट्रीय आपात। हमारे संविधान में तीन प्रकार के आपात की व्यवस्था है, एक तो हो गया 352, एक हो गया आपका 356 और एक हो गया आपका 360। 52 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात, 56 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, और 60 में क्या है, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 ये अभी तक 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन ये आपको बहुत ही बार लग चुका है, वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, ये अनुच्छेद 350 के ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारी मातृभाषा क्या है, तो हिंदी है। नेक्स्ट है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। जी हाँ, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों, तो संसद, और संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर के बनता है हमारा संसद। ठीक है, संसद अनुच्छेद कितने में है, तो याद रखिएगा 79 में है।
अब बताइए कि संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार दिया गया संसद को, ये है आपका अनुच्छेद 368, है ना। संविधान में संशोधन, ये तो आपको याद है। भाग किस में है 368, तो ये भाग हो जाएगा 20, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। और वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लग रहा है तो जो लोग नहीं लाइक किए हैं लाइक कर लीजिएगा। देखिए लाइक करने से कुछ होता नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता है इससे। चलिए नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। देखिए जम्मू कश्मीर तो अब खत्म हो गया विशेष दर्जा वाला मामला, तो पहले था आपका 370 में, है ना, इसी को समाप्त किया गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका अनुच्छेद 370, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता था पहले, अभी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो 356 अभी आपको बताए थे कि तीन प्रकार के आपातकाल है, एक तो राष्ट्रपति शासन हो गया, एक राष्ट्रीय आपात हो गया 352, एक हो गया वित्तीय आपात 360। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो मूल कर्तव्य तो बता दिए ना भाई साहब, अनुच्छेद 51 के ए में है कि नहीं, 51 के ए में मूल कर्तव्य है। और भाग किस में है, अनुच्छेद तो हो गया 51 से ए में, भाग किस में है, तो भाग हो जाएगा आपका 4 के क में, है ना, भाग 4 के क में। और किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह, कहाँ से लिया गया, रूस से। और ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में, है कि नहीं। एक चीज़ आपको पूछा जाता है कि जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11। ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो नोट कर लीजिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य आपको जोड़ा गया था, नोट कर लीजिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। जी हाँ, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है मेरे भाई, वो है संसद को, है ना। संसद ही दूसरे जो राज्य है वो तोड़ करके इसमें शामिल कर सकता है। जैसे कि अभी देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर क्या था, तो एक राज्य था, है ना, जिसका अलग एक संविधान था, तो वो संविधान खत्म करके इसको भारतीय भारत में आपको जोड़ा गया, और क्या बना दिया गया, तो इसको दो केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो ये किसका अधिकार था, तो ये संसद का ही अधिकार हुआ ना, संसद का ही ये काम था। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य के नाम में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ये अनुच्छेद कितने के तहत होता है, और इसका मतलब कि किसको अधिकार है, तो संसद को ही अधिकार है नामों में परिवर्तन, है ना। आप सुनते रहते होंगे कि जैसे कि असम का असोम हो गया आपका, है ना, पश्चिम बंगाल का नाम अब चेंज होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टेट है जिसका नाम धीरे धीरे चेंज होते रहता है, तो ये जो अधिकार किसको है, तो संसद को अधिकार है, ठीक है। चलिए, और एक चीज लिख लीजिएगा कि नाम में जो परिवर्तन का अधिकार है, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या था, तो अनुच्छेद 1 में है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या था आपका दोस्तों, तो 2 में है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। 3 में क्या है, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका अगला सवाल है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखिए राज्यों में पुनर्गठन, तो पुनर्गठन संबंधी जो विधेयक है दोस्तों, है ना, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो याद कर लीजिएगा 1956 में। और पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए गए, तो भारत में 14 राज्य बनाए गए थे 1956 में, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में ये 14 राज्य कितना हो गया है, तो वर्तमान में 28 राज्य है, और कितने केंद्र शासित हैं, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो इसमें घटते बढ़ते रहता है, तो ये काम किसका है, तो ये सभी काम संसद के पास, संसद को है आपका। तो वही क्वेश्चन है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार ये भी संसद के पास ही है, ना, गठन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सभी संसद के पास ये अधिकार है।
अब है नेक्स्ट सवाल कि राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तभी आपको बता दिए 1956 में पुनर्गठन संबंधी अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, और इसके तहत 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यहाँ पर कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि संघीय प्रदेश है, ठीक है, 8 संघीय प्रदेश हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका, सवाल कह रहा है कि सिक्किम को, जी हाँ सिक्किम, सिक्किम जो है ना ये अभी राज्य है, पहले ये राज्य नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो सिक्किम को राज्य के रूप में जो मान्यता मिला वो 1974 ईस्वी में, कब, 1974। अगला है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य जो बना था वो झारखंड बना था आपका, ठीक है, 28वां राज्य कौन बना, झारखंड, और कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को, ये भी आपको दे दिया गया है, नोट कर लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था आपका। 29वां राज्य कौन बना था, तो 29वां बना था आपका तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, लेकिन मामला हो गया गड़बड़, क्या गड़बड़ हुआ, तो 29वां तो बना तेलंगाना लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, तो एक घटा कौन, तो एक घट गया जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था, अब ये राज्य नहीं रहा, ये बन गया केंद्र शासित, इसीलिए वर्तमान में अब राज्य कितने हो गए, 28 हो गए, ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान को कौन सी नागरिकता प्रदान है। अभी आपको स्टार्टिंग बता दिए कि भारतीय राज्य को दोस्तों एकल नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, कैसी नागरिकता है हम लोगों की, तो एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो नागरिकता अनुच्छेद 11 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से लेकर के 11 तक है, और भाग कितने में है, तो ये भाग आपका 2 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, तो 1955 ईस्वी में बनाया है। नागरिकता से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, है ना, वो आप पढ़े होंगे, और डिटेल से कभी आपको इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में एक शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये भी बता दिया गया आपको, ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में आपको एकल नागरिकता है, ठीक है, तो भारत में कैसी है, तो एकल नागरिकता है। अगला है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी है दोस्तों, तो दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है, जी हाँ हमारा जो मौलिक अधिकार है इसको लागू करने के लिए रीट जारी जो किया जाता है, 5 प्रकार का रीट है, है ना, कभी उसके बारे में चर्चा किया गया है पिछले क्लास में, पिछले जब हम सिर्फ अनुच्छेद पढ़ाए थे ना उसमें आपको रीट के बारे में बताए थे, 5 रीट है, और ये 5ों जो रीट है दोस्तों अगर ये लागू कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि जो न्यायालय है हमारा, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद कितने के तहत लागू करेगा, ये क्वेश्चन कई बार आपको आ चुका है ना, जो रीट जारी करेगा उच्चतम न्यायालय, तो अनुच्छेद लिख लीजिएगा 32 के तहत, जबकि जो उच्च न्यायालय है ये जो रीट जारी करेगा तो ये कितने के तहत, तो अनुच्छेद 226 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो रीट जारी करता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत है, ये यहाँ से नोट कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर दोस्तों प्रतिबंधों को आरोपित करने का जो शक्ति है वो संसद के पास ही है। नेक्स्ट है कि किसी नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए, ठीक है। देखिए नीति निदेशक तत्व जो है ना ये किसके लिए बनाया गया, तो ये राज्य के लिए ही बनाया गया। अगला प्रश्न आपका यही है कि नीति निदेशक जो तत्व है ये महत्व किसके लिए है, तो राज्य के लिए है आपका। ये कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था, अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, नोट कर लीजिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत बार पूछा कि अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 39 के ए में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के लिए
एक समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता, है ना। क्वेश्चन सीधा कहेगा समान नागरिक संहिता, है ना, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद किस में है, तो 44 में। देखिए 44 क्या है, तो दोनों समान है, 4 और 4 मिलकर के क्या बना 44, तो 4 और 4 क्या है, दोनों समान है, तो याद रखिएगा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, कुछ कुछ ट्रिक लगा लगा के याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। वो एक लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे याद करें, याद होता नहीं है, तो खुद अपने से कुछ ट्रिक बैठा दीजिए, कुछ हमसे ले लीजिए, है कि नहीं, और इसको बार बार देखते रहिए, देखते देखते आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है ये अनुच्छेद 50 में, इसका भी एक ट्रिक ये है। देखिए अनुच्छेद 50 की बात है, 5 क्या है अलग चीज़ है, 0 क्या है ये भी अलग चीज़ है, यानी कि दोनों क्या क्या है, तो दोनों पृथक है यानी कि अलग है, तो यही तो है पृथककरण अनुच्छेद 50 में, यानी कि 5 और 0 दोनों अलग अलग है। अभी देखे थे 44 यानी कि समान था दोनों, तो समान नागरिक संहिता, यहाँ पर है पृथककरण तो अनुच्छेद 50, 5 अलग चीज़ है, 0 अलग चीज़ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, याद हो गया है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ अपने आप से बैठाइए और उसको याद कीजिए जब जो चीज़ नहीं याद होए। अगला सवाल है कि संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया है। तो अभी आपको बताए थे जो मूल कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था आपको, है कि नहीं। अनुच्छेद कितने में किसने में है, तो अनुच्छेद 51 के ए में इसका वर्णन किया गया है, भाग किस में, तो 4 के ए में है, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो मूल कर्तव्य अभी आपको बताए थे 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और इसको जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को जो निर्धारित किया गया दोस्तों, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए तो ये रहा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा क्लास तो हमारे क्लास से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को और जोड़िए इसमें, जितने भी आपके सगे संबंधी मित्र हैं, है ना, क्योंकि अब जो क्लास है वो आपका पूरा डिजिटली होने वाला है और सभी चीज़ों की तैयारी होने वाली है। आप जो चीज़ भी तैयारी करते होंगे सभी चीज़ की तैयारी होगी। अगले साल से आपका DLED BED की भी एंट्रेंस की तैयारी की जाएगी, SSC की अलग बैच चलेगी आपकी, है ना, और बहुत जल्द बिहार SSC का भी बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। ये टेस्ट नंबर आपका 2 रहा, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इतना कर लेते हैं ना, 5 क्लास होगा आपका पॉलिटी से, इसके बाद आपको एक भी सवाल आगे नहीं आने वाला है कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। डेली आपकी क्लास हो रही है, 9 बजे से हमारी क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास आपको 7 PM से मिलेगी, इसके अलावे और भी 2 क्लास चलेगी, वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। PDF लेने के लिए क्या करना है, तो PDF लेने के लिए मात्र 351 चार्ज है, ठीक है। आपको 351 पेमेंट करना है, उसके बाद आपको PDF वीडियो नोट्स लाइव क्लास सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, मात्र और मात्र 351, कुछ नहीं है आज के ज़माने में, है ना, इतने सस्ते में इतने अच्छे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम व्हाट्सएप पे अमेजन पे किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पर 351 पे कर दीजिए, उसके बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। प्रधानाध्यापक का जब आपको वैकेंसी आएगी तो उसका फिर से आपको स्टार्ट किया जाएगा, अभी आप लोग क्लास को चुपचाप देखते रहिए। और एक चीज़ और, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना, ये जो टेलीग्राम है करियर परिवार, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगा और बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा करियर परिवार को, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल 9 बजे। और मैथ वाला क्लास के सर का थोड़ा तबीयत गड़बड़ था, है ना, वो अब 2-4 दिन के बाद ही क्लास लेंगे, अब डिजिटल बोर्ड पर ही उनको क्लास हम देंगे, अब 2-4 दिन उनका इंतज़ार कर लीजिए। और रीजनिंग का भी क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, इसी प्रकार से आप लोग अपना जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, सभी लोगों को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।